कृषि भारत पर इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद है सुजानगंज में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है एटम बम नाम। सुनने के बाद कहीं कहीं मरने का आश्चर्य सा पैदा होता है कि एटम बम कहीं कहीं ये विस्फोटक पदार्थ है। ऐसे में जो है सुजानगंज में इस तरह की मिठाई बनती है, इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, यहाँ के स्थानीय निवासियों से हम बातचीत करेंगे। एटम बम के बारे में क्या कुछ जानना चाहेंगे? एटम बम जो है यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, और आश्रय नहीं रविंद्रा जी जब थी उस समय सुजानगंज की धरती पर आई थी, उन्होंने जब ये एटम बम खाया तो उन्होंने कहा जहाँ के लोग एटम बम खाते हैं वहाँ के लोग खाते हैं। ये बहुत इसका इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 40 वर्ष का पुराना है। और यहाँ पे एटम बम जो सबसे पहले बनाते थे वो फिलहाल तो अब वो नहीं है, लेकिन एक तरीके से वो उसका प्रचलन चालू हुआ धीरे धीरे सब बनाने लगे। इस समय अगर देखा जाए तो जहाँ पे आप खड़े हैं इनकी इनकी दुकान जो एटम बम है उसी क्वालिटी का है। चलिए हम लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानेंगे। दुकान के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एटम बम की क्या कुछ खासियत है। एटम बम के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? यहाँ पर देखिए एटम बम बना हुआ है, साइज भी काफी बड़ा है, और किस तरह से जो है डेली कितने एटम बम आप लोग सेल करते हैं, रेट इसका जो है कितना प्राइस है अभी जो है करंटली? क्वालिटी तो इसकी जो है आप जब इसका नाम ही लेंगे तो आपको लगेगा कि एटम बम नाम ऐसा है तो भाई काम क्या होंगे ना। तो क्वालिटी इसका और साइज इसका तो 150 ग्राम से पीस रहता है, 150 ग्राम, बाकी बड़ा भी रहता है 200 ग्राम रहता है। और इसकी तो कम से कम 30 साल से जानवर 35-40 साल से तो बनी रहा है मन इसका नाम, तो भाई इसलिए जो सुनते हैं पुरानी चीज़ें हैं ये अभी वैसे चली आ रही हैं, भाई क्वालिटी जो मॉडर्न है इसलिए लोग पसंद करते हैं। बनाते कैसे इसको? दूध से बनाते हैं, इसमें भरा जाता है खोआ, खोआ में जैसे हम लोग मेवा बनाते हैं किसी जौकी इस सब मेवा बना के बस उसमें भर के उसके बाद कर देते हैं। अरे बहुत पहले तो हमारे बड़े मतलब भाई वही बताते हैं कि ये तो 7 ही रुपये 30 3 रुपये 30 पापा को बताते थे, अब तो भाई समय के हिसाब से रेट बढ़ गया और महंगाई भी बढ़ गई है इसलिए। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे, दिन भर में नियर अबाउट कितने एटम बम सेल होते हैं जैसे भी शादी विवाह का समय? हाँ इस समय तो शादी विवाह चल रहा है तो ज़्यादा हो जाता है, कस्टमर ज़्यादा आते हैं, बाकी तो आप सीजन में तो 100 डेढ़ सौ। जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ पर जो है गंगा हिंदुस्तान बन रहा है, यहाँ के दुकान की राय जानी, इन्होंने सीधे तौर पर बताया एटम बम की क्या कुछ विशेषताएं है इसके बारे में बताया, साथ ही साथ में बताया कि ये मिठाई कब से बन रही है। कहीं कहीं सुनने के बाद लोगों के मन में एक ऐसी चीजें उठती है कि एटम बम यानी कुछ विस्फोटक पदार्थ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, प्रसिद्ध मिठाई है, इसको लेकर लगातार जो है चर्चा का बाजार गर्म है, देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों की छूट रही है हमारे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एटम बम खा भी रहे हैं, यहाँ देखिए बड़ी साइज में बना हुआ है, देखने में ही कितना अच्छा लगता है, कितना बेहतरीन है, वाकई में इसकी बिजली का आयाम भी चाहे कम है। कहीं कहीं एटम बम नाम सुनने के बाद लोगों को मन में ऐसा लगता है कि विस्फोटक पदार्थ हो सकता है, लेकिन ये वाकई ये प्रेम होता है लोगों को, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए जितनी तारीफ की जाए कम है।